हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नोईदूट में। दोस्तों, क्या आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपने फॉर्म भरा है तो आरआरबी एनटीपीसी का लिंक 21 सितंबर को चालू कर दिया जाएगा और आप अपने फॉर्म का स्टेटस 30 सितंबर तक चेक कर पाएंगे। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के लिए जरूरी सूचना जारी किया है। जिन कैंडिडेट्स ने आरआरबी एनटीपीसी के लिए आवेदन किया था वह रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। ये रहा रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, या आप सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकेंगे। नोटिस के अनुसार आवेदनों की पूरी जांच हो चुकी है और कैंडिडेट्स अपने आवेदनों का स्टेटस चेक कर सकेंगे। इसमें कैंडिडेट्स को पूरी तरह से योग्य के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स के आवेदन को रद्द कर दिया गया है उसके साथ यह भी बताया जाएगा कि आपके आवेदनों को क्यों रद्द कर दिया गया है। कैंडिडेट्स आरआरबी एनटीपीसी 2020 का एप्लीकेशन स्टेटस अपनी जन्मतिथि और एप्लीकेशन नंबर से चेक कर सकते हैं कि उनका आवेदन एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया गया है। आरआरबी कैंडिडेट्स पर कोई विचार नहीं करेगा जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात और बता दूं कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की परीक्षा 15 दिसंबर 2020 को देश भर में परीक्षा कराने का निर्णय लिया है और आपको बहुत ही जल्द एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराएगा। अगर आप आरआरबी की नई अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस मैन्युअली जाकर कैसे चेक कर सकेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।